क्योंकि ये बहस चली हुई ना हिंदुत्व, कांग्रेस का कहना कि हिंदू धर्म अलग है हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का कहना हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक ही है, आप किस तरफ खड़े हैं इसमें? मैं इनकी डेफिनेशन को समझता नहीं हूं, ये थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे हिसाब से अच्छे काम करना, इंसान का इंसान से मोहब्बत करना और निस्वार्थ भाव से ये जीवन जीना, हमारे लिए यही हिंदुत्व है, यही हिंदू धर्म सिखाता है। रामायण के अंदर भगवान राम का जो संदेश है, भगवान राम का जो जीवन है, उससे जो सीख मिलती है, यही हिंदू धर्म है बस, और इससे परे कुछ नहीं है। तो हिंदुत्व का राजनीति में होना भी, उससे भी आपको कोई परहेज नहीं है? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जिस किस्म की ये राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे से, इसको उससे लड़ाते हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करें कि ये विचार, पता नहीं क्या बात करते हैं वो, मैं उनकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन अंत पंत में जो कुछ वो करते हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो देश को बांटता है। मतलब वो करें तो देश के लिए अच्छा नहीं है? आप, मैंने आप कब लोगों को लड़ाया? मैं तो कभी लोगों आप, को आप अगर मंदिर जाएं, आप अगर वो भी जाएं, मैंने कभी उनको रोका नहीं। लड़ाएं ना देश, लोगों को नफरत ना करवाएं एक दूसरे से, एक दूसरे, 130 करोड़ लोग जब एकजुट होके काम करेंगे ना, देश को, भारत को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता महाशक्ति होने से, बड़ी शक्ति होने से। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियन सिख से लड़ रहा, ये अच्छी चीज नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये गलत है। चलिए, अब चुनावों की बात है तो विपक्ष, बीजेपी का विपक्ष, आप प्रभावित होते थे ममता जी से, अभी भी प्रभावित हैं, वो आपके खिलाफ लड़ रही हैं गोवा में। ममता जी मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन है, वो चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, चाहे मुझे दो थप्पड़ मारें, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इनकी इज्जत करता रहूंगा। वो विपक्ष को लीड करेंगी, बड़ी अच्छी बात है, करें। आप सहमत हैं ऐसे कि वो लीड करें? जो मर्जी करे, देश का भला होना चाहिए, देश इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी लीड करे, ये लीड करे, वो लीड करे, अंत पंत में देश का भला होना चाहिए। अभी तो मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, तो देश के लोगों ने तय किया। उनको चैलेंज कौन देगा, कौन किस, क्या ममता जी दे सकेंगी चैलेंज या देना चाहिए? इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या ममता जी के नेतृत्व में विपक्ष, मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ममता जी इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। लोग जिस दिन तय करेंगे कि इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे, लोग तय करेंगे इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे, सब लोग मिलकर ये देखो कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये राजनीति की सबको मिलकर, सब मिलके इसको हराओ, सब मिलके उसको हराओ, ये नहीं, इसे देश का भला नहीं होने वाला, सब मिलके देश को आगे बढ़ाओ, ये असली राजनीति है। ये बात तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन हम देखते हैं कि ये केजरीवाल सरकार, वो ममता सरकार, वो मोदी सरकार, अब वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बंगाल सरकार, कोई नहीं बोलता है। नहीं, जैसे जब हम जाते हैं पंजाब में, हम बात करते हैं कि हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आज तक ये राजनीति बदली है पहली बार, आज तक 70 साल में एक पार्टी बता दो, एक पार्टी 70 साल में जिसने इस बात के लिए वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बताओ किस पार्टी ने मांगे? आज तक 70 साल में किसी पार्टी ने इस बात पे वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो हम तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएंगे, पहली बार हमारी पार्टी जाके जिस भी राज्य में जा रही है, हम स्कूल पे वोट मांग रहे हैं, हम अस्पताल पे वोट मांग रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। अभी पंजाब में देखो, पंजाब में हमने कहा कि हम पंजाब में आए तो हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, वहां चन्नी साहब ने कह दिया था हमारे यहां तो शिक्षा क्रांति चल रही है, स्कूल बड़े अच्छे हैं। आज मनीष जी एक स्कूल में चले गए, वहां बुरा हाल, स्कूल में ना टीचर, ना क्लासरूम, ना कुछ कुछ नहीं था। वो कहते हैं आपके भी कुछ सैंपल स्कूल हैं जिनमें आपने पैसा लगाया हुआ है, आप भेज दो कल अपनी टीम, कैमरा टीम आप भेज। तो आज सुबह मनीष जी चले गए एक स्कूल में, तो पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए कि मनीष सिसोदिया को किसी स्कूल में नहीं घुसने देना। ये क्या बात हुई? अरे स्कूल अच्छे करने हैं यार, अच्छे करेंगे ना, मिलके करेंगे सारे जने स्कूल अच्छे। पंजाब की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा। आप कह रहे हैं व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की आप तारीफ कर देते हैं, वो कभी मना कर देते हैं,
फिर वो कुछ ऐसा देख लगता है कि फिर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, ये क्या गेम क्या चल रहा है? क्वेश्चन क्या आपका? आपके साथ आ रहे हैं वो, आपके साथ आ रहे हैं नहीं? नहीं आ रहे, नहीं आएंगे अब, फाइनल है? फाइनल है। वो कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप देते हैं पब्लिक को, आप उनको सीएम का लॉलीपॉप देंगे? वो आ ही नहीं रहे, मैंने कहा वो खुश है वहां पे कांग्रेस में। अब फाइनल बात हो गई। हाँ। लेकिन कब तक चलती रही है बात पिछले कुछ दिन? अब अंदर की बातें आपको थोड़ी बताएंगे टीवी प्रोग्राम में। फिर भी अगर सरकार आपकी बनती है तो आप तो नहीं रहेंगे पंजाब में? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं असली केजरीवाल नकली केजरीवाल की लड़ाई, लेकिन असली केजरीवाल तो पंजाब जाने वाला नहीं है, तो वहां कौन होगा? वहां पे कुछ दिन के अंदर हम घोषणा करेंगे, चुनाव के थोड़ा करीब आने पे सीएम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। भगवंत मान के समर्थक नाराज हो जाते हैं कि आप उनका नाम नहीं लेते हैं? जो भी है अभी नहीं, चुनाव आने के क्लोज आने के बाद करेंगे। होगा पंजाब से ही? होगा पंजाब से, पंजाब का ही रहने वाला होगा। कितनी उम्र होगी? कितनी हाइट होगी? सारा अभी पूछेंगे ये, और फिर प्रोग्राम चलाएंगे कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता नहीं है। मतलब ये पेच फंसा तो हुआ है ना? अच्छा होगा, ईमानदार होगा, डेडिकेटेड होगा, देशभक्त होगा, स्कूल अच्छे बनाएगा, अस्पताल अच्छे बनाएगा, बिजली अच्छी देगा, खेती अच्छी करेगा, रोजगार देगा। खेती से बात आई पंजाब की, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, सही किया? देखिए इसको अपराध करके और आप किसानों मतलब डिक्रिमिनलाइज किया गया ना, किसानों को पकड़ना चालू करें, किसानों को जेल डालना चालू करें, एफआईआर दर्ज करनी चालू करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमने दिल्ली सरकार ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बजाय समाधान निकाला। हमने एक बायोडिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया, उसको अगर आप छिड़काव कर दो तो जो पराली है वो खाद बन जाती है, गल जाती है, खाद बन जाती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के सारे खेतों में फ्री में छिड़काव करा दिया और किसान खुश हैं। पंजाब की सरकार क्यों नहीं करा सकती? हरियाणा सरकार क्यों नहीं करा सकती? दोष किसान का नहीं है, एफआईआर करनी है तो पंजाब सरकार पे एफआईआर करो ना, किसान पे एफआईआर क्यों कर रहे हो? अगर एफआईआर करनी है हरियाणा सरकार के ऊपर एफआईआर करो, किसान के ऊपर एफआईआर क्यों कर रहे हो? क्रिमिनलाइज करना है तो पंजाब सरकार क्रिमिनल है, हरियाणा सरकार क्रिमिनल है, उनका दोष है, किसान का दोष नहीं है। आपने जिस डीकम्पोजर की बात की उस पर इल्जाम लगा कि वो तो लगाया आपने उसमें लाखों और उसका प्रचार कर दिया करोड़ों में, तो प्रचार होना चाहिए? प्रचार इतनी अच्छी चीज है, हमने इतना प्रचार किया फिर भी नहीं करते ये लोग। हमने प्रचार इन्हीं के लिए किया था कि थोड़ा टीवी में एड देख लेंगे तो पंजाब सरकार भी कर लेगी, वो टीवी में एड देख के भी नहीं करते, उनकी नीयत फिर भी नहीं पलटती। आपकी सरकार अगर आएगी पंजाब में तो दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब मजाक की बात अलग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब समाधान है, सारी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। मैं आपको एक पराली से कोयला बनता है, पता है आपको? पराली से सीएनजी बनती है, करनाल में एक प्लांट है, पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है। आज जिसको हम समस्या मान रहे हैं, अगर ये सरकारें ठीक से काम करें तो इसी पराली से गैस बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, सीएनजी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, देश का फायदा होगा और पता नहीं कितने लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, केवल और केवल गाली गलौज, राजनीति।